जय जय श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। रमण बिहारी लाल की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान जय 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 श्री राधे। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। जब तलक जग में रहोगे फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो शाम से। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। आजा शरण हरि की बंदे फिर पीछे पछताएगा। जिनके सिर पर श्याम प्यारे की दया का हाथ है, हर घड़ी हर वक्त कन्हैया रहता उनके साथ है। पूर्वानंद गंध भगवान की जय। आज का दिन बैठो बेटा, रख दो बेटा प्रसाद। आज का दिन बड़ा ही मंगलकारी शुभकारी। आज के दिन ही वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था और आज के दिन ही भगवान श्री हरि ने 16108 रानियों के साथ सेवा कुंज वृंदावन में रात्रि के ठीक 12 बजे महाराज किया था। और उसी दिन भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा, आप लोगों का कल्याण करने, आपका मन भजन में लगाने, आपको भक्ति से जोड़ने, आपका दुख दूर करने, आपको सुखी करने के लिए भगवान ने हमको भेजा। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वकारी है। सबसे पहले वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी चोर डाकू बदमाश थे, डाका डालते थे, चोरी करते थे। एक दिन नारद जी निकलते हुए आए तो वाल्मीकि जी अपने स्थान पर खड़े थे ध्यान मेरी तरफ। वाल्मीकि जी ने कहा, बाबा निकालो तुम्हारे पास क्या है। महात्मा जी बोले, ये चोरी बदमाशी ये गंदे काम किसके लिए करते हो, तुम संत महात्माओं से भी नहीं डरते। अरे हमारे पास क्या है, एक लंगोटी हमारी बंधी हुई है और हमारे पास क्या है, ये सितार है वीणा है ले लो ये। बोले मेरा तो बोनी का समय है। जैसे बनिया कहता है ना कि चाहे हमें मुनाफा नहीं हो और सौदा ले जाओ हमारे यहाँ से, मेरा तो समय बोनी का है, इसलिए मेरी बोनी बिगड़ जाएगी, जो भी तुम्हारे पास है वो ही दे दो। कि मेरे पास तो लंगोटी बंधी है। तो कहने लगा, लंगोटी उतार दो मेरी बोनी तो हो जाएगी। महात्मा जी ने कहा, इतना बड़ा पाप इतना गोल नरक में जाने का साधन तो किसके लिए करता है, कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा परिवार है। कि अगर तुझ पे दुख पड़े मुसीबत पड़े तो क्या तेरा परिवार तेरे काम आएगा। बोले जब खाता है मेरे लाए हुए को तो काम क्यों नहीं आएगा। बोले यही तो तेरा भ्रम है, जाकर तू पूछ ले तेरे कौन काम आएगा। संसार में कोई भी किसी के काम नहीं आता है। झूठा रिश्ता है, झूठा नाता है, झूठे हम लोग आपस में संबंध बनाए बैठे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कोई भी किसी का है नहीं। नारद जी ने कहा कि देख तू जाके पूछ। तो वाल्मीकि जी बोले कि तू तो जो चला जाएगा मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। वो पेड़ से बांध गया रस्सी से। संत महात्माओं को कितना कष्ट उठाना पड़ता है दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए।
इसलिए संत महात्मा आते हैं संसार में, उनको कोई सुख नहीं होता, वो सुख तो दूसरे को देते हैं और उनका दुख अपने ऊपर लेते हैं। वाल्मीकि जी ने नारद जी को पेड़ से बांध दिया, पेड़ से बांध के घर पहुंचे, अपनी पत्नी बच्चे सबको बुलाया, सारे परिवार के मेरे पास आओ, अगर मुझ पर दुख पड़ेगा मुसीबत पड़ेगी तो तुम मेरे काम आओगे। सबने कहा हमें काम आने से क्या मतलब, हम तुम्हारे पत्नी हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा धर्म है कमा के लाना और हमको खिलाना, तुम लाओगे तो हम तुमको बना के रख देंगे, तुम नहीं लाओगे तो नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे दुख से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस एक ताले में ताली लगनी होती है। ऐसे ही आपने अपना जीवन 40, 50, 60 साल गुजार दिए, अभी तक आप इनकी शरण में नहीं आए हैं, संसार की शरण में हैं। एक तरफ जगदीश है, एक तरफ संसार है, अगर हम संसार की तरफ जाएंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान भी मिलेंगे और संसार भी हमारा अपना हो जाएगा। नारद जी आए, नारद जी को बांध के डाल गया, आया वाल्मीकि, उसके दिमाग में भर गया कि ये सारे मेरे घर वाले झूठे हैं, ये मेरे दुख पड़ने पर सहायता नहीं करेंगे। नारद जी के चरणों में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा, आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप मुझ पर कृपा करो, क्योंकि बिना गुरु के भगवान किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, पहले गुरु की शरण में जाना पड़ता है, फिर भगवान की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा चल मरा मरा के, क्योंकि नारद जी को पता था ये बहुत पापी है, बहुत दुराचारी अत्याचारी है, ये राम राम नहीं कह सकता है, इसलिए कहा चल मरा मरा के, तो उसने मरा मरा जाप करा और मरा मरा से ही राम राम उसके मन से और मुंह से निकलने लगा, और राम नाम जपने से ही वो वाल्मीकि कैसे बने, ब्रह्म के समान बन गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना। भगवान प्रकट भी नहीं हुए, भगवान संसार में आए नहीं, उन्होंने पूरी रामायण और संस्कृत में बना दी, तो कोटि जन्म का पापी जोई, हरि शरणागत आवत सोई, प्रेम समेत नाम जो लेवत, आको कृष्ण अभय पद देवत। कोटि कोटि जन्मों का पापी इंसान, पापी दुराचारी अत्याचारी, जब वो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसके पापों को क्षमा कर देते हैं और भगवान अपना बना लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे।